मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कोटा में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है और जनता से झूठे वादे किए हैं। वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा के कोटा बूंदी क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं था, फिर भी धारा 370 हटाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व भारत देश की बढ़ी हुई ताकत को देख रहा है। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के प्रबंधन और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। कोटा और झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का क्लस्टर जो एक बना है, उसमें आगामी रूपरेखा कैसे हो और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग, सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूती हो, प्रत्येक बूथ पर पिछले मुकाबले 375 मत अधिक मिले और प्रत्येक लोकसभा 5 लाख से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मतों पर भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसी कार्य रूपरेखा की आज बैठक हो रही है।